नमस्कार दोस्तों, रूपल सेवन हिंदी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, ये सीरीज़ चल रही है रूपल कॉमर्स ट्यूटोरियल की। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि अपने टैक्सेस कैसे, हम वैट टैक्स और सेल्स टैक्स अपनी वेबसाइट्स पे कैसे इम्प्लीमेंट करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्काउंट के बारे में कि अगर कोई ऑफ़र अपनी वेबसाइट्स पर हम दिखाते हैं तो कैसे वो डिस्काउंट्स हम इसमें यूज़ कर सकें। ठीक है, तो कैसे हमने डिस्काउंट अपनी वेबसाइट्स में किसी प्रोडक्ट के लिए कॉन्फ़िगर करें वो हम लोग इसमें चेक करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए डिस्काउंट के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस मॉड्यूल की, जो कि कॉमर्स डिस्काउंट है। ठीक है, तो इसके लिए हमें डिपेंडेंसी है हमारे पास कि हमें इनलाइन एंटिटी फॉर्म और इनलाइन कंडीशन और एंटिटी रेफरेंस, तो ये चाहिए। ठीक है, तो इन सबको हम लोग डाउनलोड करना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं जल्दी से। आप भी इसको डाउनलोड करके अपने लोकल पे सेटअप कर लीजिएगा। ठीक है, तो करते हैं। और ठीक है, तो हम लोग कॉमर्स डिस्काउंट कर लेते हैं। अब लास्ट वन है हमारे पास इनलाइन कंडीशंस। ठीक है, तो ये हमने जो जितने मॉड्यूल थे हमारे पास रिक्वायर्ड थे वो हमने डाउनलोड कर लिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने मॉड्यूल्स की तरफ। ठीक है, और अब इनेबल करते हैं डिस्काउंट। ठीक है, डेट हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, इनलाइन कंडीशन और इनलाइन कंडीशंस चेक करते हैं कोई डिपेंडेंसी बची है भाई। ठीक है, तो इस डेट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले डेट, ठीक है, डेट ठीक है। अब देखते हैं कौन सी डिपेंडेंसी बची। डिस्काउंट, ठीक है, अब डिस्काउंट आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको हम लोग को इनेबल कर लेना है। ठीक है, इनेबल करेंगे तो कुछ डिपेंडेंसीज होंगी उनको भी इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा कि मल्टीपल कई सारे मॉड्यूल्स हो रहे हैं। ठीक है, अब जब डिस्काउंट हमने इनेबल कर लिया तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट कॉन्फ़िगर करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या स्टोर पे जाना पड़ेगा। और एक बार कैश क्लियर कर लेते हैं। स्टोर डिस्काउंट, ठीक है, स्टोर के अंदर आपका डिस्काउंट आ गया, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया हमारे पास ऐड डिस्काउंट का। ठीक है, ऐड डिस्काउंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप
अपना डिस्काउंट जो भी सेटअप करते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए करते हैं, या तो आप ऑर्डर के लिए करेंगे या तो आपको प्रोडक्ट के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। ये चूज़ डिस्काउंट टाइप में आएगा, ठीक है। यहाँ आप डिस्काउंट का नाम डालेंगे, यहाँ टाइटल डालेंगे, ठीक है, और ऑर्डर के लिए है या डिस्काउंट के लिए है, तो ये इसके हिसाब से वर्क करता है। तो यहाँ पर हमें इस प्रोडक्ट के लिए, तो हमें प्रोडक्ट चूज़ करना पड़ेगा किस प्रोडक्ट टाइप के लिए है, या स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट के लिए है। स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए भी हम लोग लगा सकते हैं केवल सिंगल प्रोडक्ट के लिए, कि वही जब परचेज़ हो तो डिस्काउंट मिले, ठीक है। अभी हम लोग ऑर्डर पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए हम लोग $6 डिस्काउंट फॉर ऑर्डर अबव $50, ठीक है। अगर डिस्काउंट जो हम लोग ऑर्डर सेट करेंगे $50 से ऊपर होगा, तो 6% का उसमें $6 का उसमें डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर यही चूज़ करेंगे, ऑर्डर डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो ऑफ, अब यहाँ पर हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। टोटल अमाउंट पे, ठीक है, यहाँ टोटल अमाउंट पे हमें चूज़ करना पड़ेगा, और इस ग्रेटर देन 50, ठीक है, इस ग्रेटर देन 50। तो ये हमने क्या किया, ये हमने कंडीशन लगा दी कि अगर हमारा टोटल अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन 50 हो तो ये डिस्काउंट अप्लाई हो, ठीक है, सिंपल सा है। और जो हमारा डिस्काउंट हो वो कितना हो, 6, ठीक है, 6 GBP का डिस्काउंट हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिस्काउंट आप स्टेटस है वो आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, कि जब आपको डिस्काउंट इनेबल या डिसेबल करना है तो आप उसको डिसेबल कीजिए, एक्टिव कीजिए, ठीक है। डिस्काउंट डेट में आप एक डिस्काउंट डेट सेट कर सकते हैं, तो स्टार्ट डेट दिस और इन डेट दिस, तो आपका वो जो डिस्काउंट अगर आपको एक दिन के लिए सेट करना है, दो दिन के लिए सेट करना है, तो वो आप डेट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट जो थर्ड ऑप्शन है, इसमें कुछ ऑप्शन है, ठीक है, और जो यूज़र्स है वो यहाँ पर सेट होते हैं, कितनी ऑप्शन आपको यूज़ करने हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ यूज़र्स कस्टमर यूज़ कर सकते हैं, कितने टाइम यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम कितनी बार, ये ओवरऑल मैक्सिमम कितनी बार अगर यूज़ करना है, जैसे कि पूरी साइट में अगर 100 यूज़र हैं तो उन्होंने हम 200 बार ही केवल ये देंगे, आप या 50 बार ही देंगे तो 50 यूज़र ही यूज़ कर पाएंगे, एक यूज़र कितनी बार यूज़ करना चाहे, तो वो अमाउंट हम यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू में देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग 10 टाइम लिख देंगे तो ये ओवरऑल 10 टाइम ही यूज़ होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सेव कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है कि अब एक चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐड टू कार्ट करते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग इसी क्वांटिटी अपडेट करते हैं और चेकआउट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये डिस्काउंट वर्क किया है, यहाँ पर $6 का डिस्काउंट मिला मेरे को, कि जब मैंने $50 से अब की शॉपिंग की तो मुझे 6 का डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो इस टाइप का डिस्काउंट है ये, आप ओवरऑल भी कर सकते हैं कि जैसे इसी टाइप में आप डिस्काउंट सेट कर सकते हैं, आपकी जैसी वेबसाइट पे कंडीशन होगी, ठीक है, कि आप $50 से अब का ऑर्डर करते हैं, या किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए भी दोस्तों अगर आप कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इजीली, आपको उसके लिए कुछ नहीं, जैसे कि आपने डिस्काउंट सेट किया है वैसे ही इसको एडिट करेंगे। तो यहाँ जो आपने टाइप जो सिलेक्ट किया था ना दोस्तों, वहाँ आपको डिस्काउंट प्रोडक्ट डिस्काउंट सेलेक्ट करना है, और वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो कि मैं यहाँ सर्च करूँगा,
तो मुझे मिलेगा, ठीक है। वो ऐसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट में अगर मैं लगा दूंगा तो केवल उसी प्रोडक्ट पे ये डिस्काउंट अप्लाई करेगा, ये भी आप चेक कर लीजिएगा, ये भी वर्क करेगा, ठीक है। तो ये था वीडियो दोस्तों कि कैसे हम अपने वेबसाइट्स में कैसे हम डिस्काउंट प्रोवाइड कराएं, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतने ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।